देखा देखा ना आपने माई, अभय कितना परेशान हो रहे थे उस राधिका के लिए। माई मैं इतनी परेशान हूँ, आपको की कुछ बोल ही नहीं। कहा है इतना बिलबिलाए रही हो? सच का है ई घर में सबो जानत है। ई का वास्ते अपना छोटा सा बुद्धि को आराम दो और सोचने का काम हम का करे दो, समझी? आ गए अभय बाबू, कैसी हैं वो राधिका जी? उनका व्रत तो अच्छे से पूरा करवा दिया कि नहीं? माताराम जी, बगीचे में जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, जब भी वो परिवार मेरे सामने आता है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, ना अपने पराए का और ना ही सही गलत का, सब कुछ भूल जाता हूं मैं। पता नहीं मैं खुद को पुरोहित परिवार से इतना जुड़ा हुआ क्यों महसूस करता हूं। इस सवाल का जवाब ढूंढना कोनो मुश्किल काम नहीं है दामाद बाबू, आप इतने बढ़िया इंसान हैं, इतनी नेक सोच है आपकी, आप किसी को भी थोड़ा तकलीफ में देखते हैं तो तनिक आपका दिल पसीज जात है। इमा ग्लानी महसूस करे का कोनो बात नहीं है दामाद बाबू, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बीते हुए कल में ऐसा क्या हुआ था बस एक बात समझ में नहीं आती मेरे कि राधिका जी ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैंने जो तस्वीर देखी है उसमें जो लड़की थी वो वही है। हम दुनिया देखे हैं दामाद बाबू, जानते हैं दुनिया कितना स्वार्थी कितना मतलबी हो सकत है। आपका सकल उदेव से मिलता है ये का खातिर ई लोग उ बात का फायदा उठाना चाहते हैं। हमेशा आपको यहाँ अपने पास रखना चाहते हैं। आप खुद ही समझदार हैं, पर हम आपका कहेंगे कि ई लोगन से सावधान रहिए दामाद बाबू, सहायता जरूर कीजिए पर उका खातिर अपना जिंदगी बर्बाद मत कर लीजिए। हम आपका पहले भी कह रहे कि ई लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं यहाँ। मातरम जी, हमें जल्द से जल्द आगरा जाना चाहिए, वहीं पहुंचने के बाद शायद मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हो सकता है मुझे वहाँ कोई मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मेरे पड़ोसी मेरे अध्यापक कोई भी मिल जाए। आप एकदम चिंता मत कीजिए दामाद बाबू। बात चिंता करने वाली ही है माताराम जी, इसलिए हमें जल्द से जल्द आगरा जाना चाहिए। मैं जल्द से जल्द आगरा जाना चाहिए। जाएंगे जरूर जाएंगे दामाद बाबू, परंतु कल आपके माता पिता का बरसी पूजा है, हम चाहते हैं वो पूजा अच्छे से संपन्न हुई जाए, उसका बाद हम आगरा चलेंगे और वहाँ आपके सब सवालों का हम जवाब ढूंढेंगे दामाद बाबू। आप ठीक कह रही हैं माता रानी जी, हमें बरसी के लिए वैसे भी आगरा तो जाना ही है और उसके बाद ही मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिल लूंगा जो मुझे ये बता सकते हैं कि मेरा पुरोहित परिवार से क्या रिश्ता है। आपका कहना एकदम उचित है दामाद बाबू,
और हम चाहते हैं कि बरसी पूजा ये घर में अच्छे से संपन्न हुई जाए। इसी घर में करें? तो ही में कहे का क्या बात है दामाद बाबू, कनिका का तबीयत ठीक नहीं है, व्रत का वजह से कमजोरी महसूस कर रही है। ऐसा में सफर करेगी तो तबीयत और गड़बड़ा ना जाए, ये का वास्ते हम कह रहे हैं। ठीक है माता राम जी, लेकिन बरसी पूजा यहाँ करने के लिए हमें इन घर वालों से आज्ञा लेनी पड़ेगी। अब देखो ना, कान्हा ने हमारे देव की 7 जन्म की संगिनी को उससे मिलाया, फिर दोनों को अलग कर दिया। पर देखना, कान्हा ही उसकी याददाश्त वापस लाएंगे और इन दोनों को फिर से मिला देंगे। आज जो उन्होंने निर्णय लिया है ना, उससे मेरे दिल को बहुत खुशी मिली है। अब जैसे जैसे वो सच को जानते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे और करीब आते जाएंगे वो, है ना विवेक भैया? क्या बात है दादी माँ, आप खुश नहीं लग रही? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस ये देख के कि हमारी छोटी बहू को अपने ही सुहाग और सिंदूर के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं। वैशाली, तुम्हें याद है फलदान के समय पंडित जी ने क्या कहा था? देव बाबू की कुंडली में द्वे भार्या योग है ही नहीं, अर्थात उनका दूसरा विवाह हो ही नहीं सकता। हाँ माँ जी, अरे उस वक्त तो पंडित जी ने मना ही कर दिया था शादी करवाने से, उन्हें लगा था कि विधि के खिलाफ है। हालांकि तब भी सच्चाई यही थी कि देव की एक ही शादी हुई थी और वो भी हमारी छोटी बहू राधिका के ही साथ। माँ, जो बात तब सत्य थी वो बात आज असत्य कैसे हो सकती है? जब देव की कुंडली में लिखा हुआ है कि उसकी एक ही पत्नी होगी, तो फिर कनिका के साथ उसका विवाह कैसे हो सकता है? तू ठीक कह रहा है विवेक, पंडित जी गलत नहीं हो सकते और ना ही पोथी पुराण झूठ बोल सकते। हाँ दादी माँ, ये सब कान्हा का ही खेल है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अरे हम तो इसे देव इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारा देव है, लेकिन ये कात्यानी देवी और उनका परिवार, ये लोग इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि ये अभय है? आखिर क्या बात है? किसे ढूंढ रहा है देव? जी वो मैं दादी माँ को ढूंढ रहा हूँ। देव, क्या हुआ बेटा? मैं आज आपसे किसी चीज के लिए आज्ञा मांगने आया हूँ। आज्ञा? किस चीज के लिए? कल का दिन मेरे लिए बहुत अहम है, मैं हर साल इसी दिन एक पूजा करता हूँ। कनिका की तबीयत ठीक ना होने की वजह से हम आगरा नहीं जा पा रहे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये पूजा यहीं कर लूँ, इसी घर में। अरे बेटा, पूजा करने के लिए आज्ञा थोड़ी ना मांगनी जाती है, शौक से पूजा कर। लेकिन देव, ये पूजा है किस चीज की? कल मेरे माता पिता की बरसी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं,
उनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है। ये तू क्या कह रहा है देव? अरे बेटा, तेरी माँ? ये तेरी माँ है वैशाली? देव तू जानता भी है तो क्या कह रहा है? माँ के जीवित होते हुए उनका बेटा उनकी बरसी मनाए, शायद इससे बड़ा और कोई पाप नहीं होगा। मैं माफी चाहता हूं, मैं आप लोगों की भावनाओं को समझता हूं और उसकी इज्जत भी करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरी भावनाएं भी समझें, और बेहतर यही होगा कि आप लोग इस सच को जल्द से जल्द स्वीकार लें। तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है और तू उसी के सामने उसी की बरसी की आज्ञा ले रहा है। एक माँ के लिए इससे बड़ा और कौन सा दुख हो सकता है? देखिए, आप लोग मुझे समझने की कोशिश करिए, आप मेरी माँ जैसी हैं, माँ तो नहीं ना? सुन रही है माँ जी, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, माँ जैसी हूँ। ये आप क्या कह रहे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन्होंने आपको जन्म दिया है और आप ऐसी बातें करके इन्हें परेशान कर रहे हैं। आपकी एक एक बात इनके दिल को छलनी कर रही है। भगवान के लिए आप ये सारी बातें करना छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका, मैं देव बाबू नहीं हूं। आप इनके बेटे हैं। आपकी माँ जीवित, और जीवित माँ की बरसी नहीं की जाती, ये बहुत बड़ा अधर्म है। अधर्म तो ये तब कहलाएगा जब मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊंगा, उनके प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाऊंगा। और जो मेरा परिवार कह रहा है वो झूठ कैसे हो सकता है? झूठ हम भी नहीं कह रहे, आप इनके बेटे हैं, आप असली राजपुरोहित हैं और मेरे पति हैं। ना मैं आपका पति हूँ, ना इस घर का बेटा हूँ, और ना ही एक राजपुरोहित हूँ। मैं अभय हूँ, अभय सिंह ठाकुर। तो ठीक है, यही बात आप मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आप मेरे पति नहीं है। मैं आपका पति? कुटुंब रक्ष कार्यामी आवाज। ये आप लोगों का घर है, और मैं आपकी इजाजत लेने आया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के जज्बातों को समझता हूं, पर आप लोग मेरे जज्बातों को नहीं समझते। अगर मैं ये पूजा इस घर में करूं तो आप लोग मुझे रोक देंगे, लेकिन अगर मैं ये पूजा इस घर के बाहर करूंगा तो आप मुझे रोक नहीं पाएंगे ना? मुझे अपने माता पिता के बरसी की पूजा इस घर के बाहर करने से कोई नहीं रोक सकता। हर बेटे का कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप के बरसी की पूजा करे, और मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाऊंगा। सुनिए, समझ रही? मेरा बेटा मेरी बरसी खाने जा रहा है माँ जी, मैं मर गई हूँ उसके लिए। हाँ माँ जी, वैशाली, मैं मर चुकी हूँ उसके लिए। दादी, माँ को अंदर ले चला। माँ जी आई, जीते जी मार दिया उसने मुझे। माँ जी ऐसे मार दिया उसने, मार दिया, ऐसे नहीं कहते।
देव की बातों को दिल से मत लगाओ। अरे उस बेचारे को तो ये नहीं पता है कि वो कौन है, कहाँ है। माँ जी अब और परेशान मत होइए। छोटी बहू, बेटा तुम्हारी पायल कहाँ गई? मेरी पायल कहाँ गई? मैं तो बस सच्चे मन से अपना कर्तव्य पूरा करने जा रहा हूँ, फिर इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? सच झूठ पाप पुण्य अच्छा बुरा इन सब का लेखा जोखा मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से मैं जो भी करने जा रहा हूँ बिल्कुल सही करने जा रहा हूँ। ये पायल यहां कैसे? Let it go.